हम पे भी कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, ये सर का बोझिल होना या जैसे खचाव सा हो जाना, ठीक है, मसल्स में मसल्स फुल आपकी हो जाना, शोल्डर बिल्कुल खिंचाव सा महसूस ये हो रहा अजीब है। सी ये जो है वो कैफियत हो जाती है। लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे उस वक्त भी मेरे साथ ऐसे हो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था शायद मैं घर से जा वैसे पाया हूँ तो तबीयत एक ऐसा, में जब ज्यादा आपने ज्यादा अब ये बात की है, अब लास्ट टाइम भी आपके साथ आप ये कह रही थी कि आपके साथ ऐसा हो ऐसे रहा ही है, है। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ है। मेरी आंखें जल रही हैं, मेरे मेरे सर से मेरी आंखों पे इतना इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे ऐसे जिस तरह से बहुत ज्यादा जो कोई गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है बहुत यहाँ ज्यादा पे, और ऐसे जैसे तनूर लगा हुआ है यहाँ बिल्कुल। पे। और ये जगह खुली है जकी, लेकिन उसके बावजूद ये सब है। ये जगह खुली हुई है लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसे लग रहा है कि आप सफोकेशन जिस तरह क्रिएट हो जाती है, आपका सांस नहीं आ रहा। न जाने कल को अभी नेक्स्ट में हमारे साथ क्या होता है। अभी हम मजीद जब इसकी तहकीक करेंगे और मैं ये चीज का अंदाजा अच्छा, लगाना ये जा रही हूँ कि यहाँ ये पे सामने क्या चीज बनाएगी, क्या ये स्टोर रूम है या वॉशरूम है। बहुत ध्यान से कि, और हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, सारा सामान अंदर है। टाइल्स का जितना मेकिंग में कंस्ट्रक्शन में लगता है वो सारा का सारा सामान अंदर है। लोग इसे बना रहे होंगे अपने घर के इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रुक गई है। बहुत अफसोस हुआ है। और ये जगह जो है बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये जगह खुली हुई है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा सफोकेशन और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह अकबर, ये कहाँ से? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह अकबर, ये कहाँ से ये ये अब चीज? ऊपर से गिर रहा है, पहले ईंट का कदमों की। गिरना, फिर उधर से वो चीज, वो गिरना, लकड़ का गिरना, फिर ये वो सरिया जो था उसका, और अब देखो ना दोबारा फिर से ऊपर ये। से आवाज आ रही है। कैमरा में नोट हो रही है, कदमों की आवाज है। हल्की थी, एकदम भारी आती है। ऊपर से आ रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान ये से। अजीब सा सिनेरियो यहाँ पे, हाँ, मतलब बार बार जिस तरह से हमला कोई कर रहा है कि भाई यहाँ से चले जाओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर, ये गिरा है, ये गिरा है, ये देखा। ये भारी होगी, आपने भी सुना है। उम्मीद है हमारे कैमरा में भी ये नोट किया। ये जिस तरह कोई ऊपर दौड़ रहा है, वी शुड मूव ओवर देयर, मैं चेक करना चाहिए, ऊपर चल के देखते हैं कि। अल्लाह अकबर, कैमरे के सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुंचाए। अल्लाह अकबर, कैमरे के सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुंचाए। हमारे अलावा यहाँ पर कोई मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, सामने आ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह अकबर, हम जानते हैं आप इधर ही हैं। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, सामने आ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह अकबर, हम जानते हैं आप इधर ही हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ये साथ ही वो चीजों का गिरना रिस्पॉन्स और कर रहे साथ ही हैं। रीडिंग, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर जो है वो ये जगह बस खतरे से खाली नहीं है। बस ये आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी है। समझ नहीं आ रहा हमें ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना। मुझसे तो ये चीजें हो रही हैं। हम यहाँ आपकी कोई चीज नहीं लेने आए, ना आपकी कोई चीज पे नुकसान पहुंचाने यहाँ आए पे हैं, आगे आगे मूव करते हैं, और ना आपको ना पहुंचा चले। सकते हैं ये इस अभी नुकसान आपके को। सामने है जो भी हमारे साथ जो हैपनिंग हुई है, लेकिन अभी हम ऊपर जो है वो देखते हैं कि ऊपर जो है वो नजफ क्या है, और बिल्कुल। यहाँ पे जो चीजों का गिरना मुसलसल। अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से।
रीडिंग हमें मिल रही है इस वक्त। देखिए आप देख सकते हैं ये काम सिर्फ नीचे ही नहीं, प्रॉपर सीलिंग ऊपर भी है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है यहाँ पर। लेकिन काम पर रुक जाना, मेरी समझ में ये चीजें नहीं आ रही। इस कदर यहाँ पे खौफ और हरास फैल गया था, इस कदर यहाँ पे मामला बिगड़ गए थे कि मजदूरों ने काम छोड़ दिया, इनकार कर दिया। और हालात बहुत ही यहाँ पर संगीन हैं। ये यहाँ पर नजर देखिए, यहाँ पे रीडिंग हमें मिल रही है मुसलसल, और यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है जो कि सांस रुकने का बायस बन रही है। और ये सांप क्या है? नाजरीन देख सकते हैं आप, इस वक्त जो है वो यहाँ पर भी रीडिंग में सिलसिला आ रही है। और नीचे पहले जिस तरह से हमला करना किसी चीज का, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एंटर होने के साथ ही रीडिंग का आना, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर गैर मरी मखलूक का बसेरा है। बिल्कुल है, इस चीज का तो हमें पहले ही अंदाजा हो गया था जब हम एंटर हुए थे, ये सारे मामला हमारे साथ हुए, सिर का भारी होना जो शुरू हो गया था। और ये सिर का भारी हो जाना, आंखें जलना, ये हर लोकेशन पे इस कदर नहीं होता। कौन है? हाँ कोई मौजूद है हमारे अलावा? कोई है यहाँ पर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। चीजें खुद ब खुद ही हरकत में आ रही हैं, चीजें मूव कर रही हैं, चीजें हम पर हमला कर रही हैं। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, जैसे कि हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। हम नाज़रीन सिर्फ अकेले यहाँ पे मौजूद नहीं, मैं यहाँ पे अकेले नहीं, पूरी हमारी टीम है यहाँ पर, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें बहुत संभल के काम लेना होगा यहाँ पर। पूरी टीम को मैं बता दूं, बहुत संभल के चलें, बहुत ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। ये क्या चीज है? अच्छा यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन जो घर होते हैं, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ठंडे होते हैं, उनमें एक सुकून होता है, एक अपनाइयत का एहसास होता है, और कहीं ना कहीं खुशी भी होती है। लेकिन इस घर की सबसे अजीब बात ये है कि यहाँ से स्मेल आ रही है आपको, स्मेल आ रही है। और दूसरी आप देखें कि जो न्यू घर होते हैं वहाँ पर गर्मी नहीं होती है, वो ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे जैसे तंदूर लगा हुआ है, यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पर, और स्मेल शदीद आ रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी हमें रीडिंग नहीं मिली है, रीडिंग हमें बहुत स्पेसिफिक एरिया पर मिली है। और मेरी मेरे हाल में टॉर्च की लाइट कम हो रही है, मेरी टॉर्च की लाइट में जाके कुछ मसला हो रहा है, कम है, दूर तक नहीं जा रही है। आप मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आप ठीक है? मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरी दूर तक नहीं जा रही, आई कांट सी एनीथिंग। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये देखें, ये क्या मैं नोट हुआ, ये चीज कैप्चर हुई है यहाँ से, ऐसे कुछ रोशनी ऐसे गुजरी है, रोशनी ऐसे गुजरी है, बहुत तेजी के साथ जो है वो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे मूव किया है, ये सामने से कौन जो है? ये जो रोशनदान है, हाँ। इसमें से ऐसे बहुत तेजी के साथ, कोई बहुत तेज रोशनी थी अभी जो मूव की है। रीडिंग मिली हमें यहाँ से? रीडिंग तो, रीडिंग की बात करें यहाँ पे जो है वो देखते हैं, रीडिंग पहले भी हम यहाँ पे एंटर हुए, रीडिंग आ रही थी। कौन है ये? ध्यान से नजर, ध्यान से, ये रीडिंग आना शुरू हो गई है।
देखिए यहाँ से निकलने बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है और ये मुझे अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही अंदर मामला बिगड़े हुए, हमें रीडिंग सबसे ज्यादा वहां पर मिली है और अजीब कैफियत का एहसास है इस जगह पर स्पेशली। कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से नहीं आए हैं, कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे, हम आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से नहीं आए हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आपको। आप हमारे सामने आ सकते हैं, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, क्या आप सामने आ सकते हैं? हम जानते हैं आप हमारे इर्द गिर्द ही हैं, दोबारा एहसास दिलाए दिलाइए कुछ करके बगैर नुकसान पहुंचाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने भी बात की है कि आप कैमरे के सामने आ सकते हैं और रीडिंग ये साथ ही पूरी तौर पर ये चीज गिरी है। यहाँ से जो है वो निकले मुसलसल यहाँ पे हरकत हो रही है। जकी बहुत ध्यान से, आप ठीक है? बहुत ध्यान से। अल्लाह अकबर, वहां पे बहुत अजीब सी, वो किसी ने बहुत झटका दे के खींचा है मुझे और खींचने के साथ साथ वहां पे बड़ी अजीब सा सिनेरियो था। आपको सही पता है कि किसी ने आप मुझे मैं मुझे झटका लगा है भरपूर झटका। तो किसी ने जैसे आप भागे हैं ना घबरा के, तो मैं अजीब सा वहाँ पे मुझे मैं मुझे झटका लगा है भरपूर झटका। तो किसी जैसे आप भागे हैं ना घबरा के, तो मैं कौन पर अजीब सा से लगी वहाँ पे कौन था आवाज कहाँ से आई है? आप जब भागे हैं ना बहुत घबरा के, तो मुझे हुआ परेशानी है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया और मैं आपके पीछे भागी कि नहीं, कैफियत का अंदाजा कि आपके साथ क्या हुआ है या आपको झटका लगा है? ये वही आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे जैसे किसी ने ऐसे बाजू से पीछे पकड़ के ऐसे किसी ने खींचा है मुझे। मैं वही देख रहा था उस वक्त, मैं खुद खौफजदा हुआ। पहले जो सिनेरियो चल रहा था वो तो था ही, वो नॉर्मल रूटीन है, पहले भी ऐसे होता रहता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि ये ऐसा आपने ऐसे जैसे पकड़ के किसी ने ऐसे पीछे खींचा है और मैं तो ऐसे जैसे घूम गया हूँ, जिस तरह बंदा जिस तरह घूमता है कोई खींचता है पीछे झटका लगता है, और इस तरह से बड़ा अजीब सा सीन था। मतलब यही कैफियत उन मजदूरों के साथ भी बनी होगी, और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि वो जो मजदूर जो काम करते थे वो उनकी बातों में किसी हद तक तो सच्चाई है। कौन है?